प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों के अंदर काशी में 45 से ऊपर दौरा कर चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने 36,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात जो है काशी को विकास के रूप में दिया है। जनता से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का रिपोर्ट कार्ड सांसद के रूप में क्या है। काशी में उनका चुनाव, जो कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काशी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और देश में जैसे देखा जाए कि देश में तो विकास हो रहा है, साथ साथ ही काशी में भी बहुत ज़्यादा विकास हो रहे हैं। उनके आने से बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट पाई गई है जो कि हम लोगों के लिए बहुत आगे के लिए, बहुत भविष्य के लिए भी सारी चीज़ें अच्छी हैं। और मतलब अभी भी जो चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप एक युवा हैं, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, रामलला का मंदिर बन गया जी, तो लगता है कि इससे कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, रोजगार जी जी, इससे तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, हमारे काशी में पर्यटन स्थल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से रोजगार यहाँ पे हर छोटे, चाहे रिक्शा टाली वाले हों चाहे कोई भी हो, इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ रहा है इन लोगों के आने से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 400 पार का जो नारा है लगता है साकार हो जाएगा इस बार? हो सकता है। विकास तो हो रहा है, विकास सबको दिखाई दे रहा है, सड़कों पे विकास दिखाई दे रहा है, शहरों में विकास या सुंदरीकरण में विकास दिखाई दे रहा है। आप जिस सेक्टर से हैं लगता है कि आपको जगह जगह घूमते हैं, तो जिस तरीके से सड़कों का विकास हुआ है और तमाम चीज़ों का विकास हुआ है, तो इसके बारे में? नहीं, देश का प्रधानमंत्री हमारा सांसद है तो उसका तो लाभ बनारस को मिला ही है। सड़कें और बाकी सारी सुविधाएं, हर घर जल, ढेर सारी परियोजनाएं हैं जिसका लाभ जनता को मिला है मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के कारण। बनारस आने वाले कुछ सालों में जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है स्टेडियम मिला है उसको? नहीं, विकास है, ये विकास है, इससे पर्यटन का विकास होगा और यहाँ पर रोजी रोजगार भी बढ़ेगा। एक सवाल विपक्ष बार बार उठा रहा है कि रोजगार नहीं है, तो क्या लगता है कि रोजगार की बात तो मुद्दा है ही? नहीं, रोजगार तो मुद्दा है, ये देश स्तर पे अगर देखा जाए तो मुद्दा तो है ही। हमको लगता है कि मोदी जी को इस पे विचार करना चाहिए कि भाई हमारी बहुलताय जनता किन समस्याओं से जूझ रही है। जैसे मान लीजिए रोजगार है, महंगाई है, इस पे हमको लगता है मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि अधिवक्ताओं के जनसमूह के साथ हमारे काशीवासी भी प्रधानमंत्री जी को काफ़ी भारी मतों से, लगभग करीब 4 से 5 लाख मतों से विजयी बनाएंगे। मुझे लगता है कि संभव है। 370 जो कहते हैं कि व्यक्तिगत उनका जो है संख्या पहुंचेगा, तो बीजेपी की अकेले 370 के आसपास पहुंचेगी, ये मेरा भी विश्वास ऐसा है। हमारे काशी में तो काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं और हो रहे हैं, तो इसमें कोई निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि काशी का विकास चौमुखी हुआ है, चाहे वो धार्मिक हो, रोड रास्ते हो, सामाजिक हो, और जहाँ तक देखें साफ़ सफाई की व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। तो हम निसंदेह कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री एक वाराणसी के सांसद के जो भी कार्य हैं वो बहुत ही अच्छे और कुशल कार्य हैं। कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, वैसे का वैसा ही है। सड़कें जहाँ से प्रधानमंत्री गुजरते हैं वहाँ की सड़कें चकाचौंध हो जाती हैं, गलियों का हाल आपके सामने है, देख लीजिए। तो बनारस का कुछ डेवलपमेंट है कि नहीं? बनारस का डेवलपमेंट देखिए, ये टूरिस्ट बढ़ गए हैं, यही डेवलपमेंट है, टूरिस्ट सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन हम लोग का जीना मुहाल हो गया है उससे। क्यों ऐसा क्यों हो गया? यहाँ से गाड़ी लेकर अगर दशा समेत जाना होता है तो गाड़ी सड़क पर गली में खड़ी करके पैदल जाना होता है, पैदल भी चलना मुश्किल है। नहीं, आने वाले समय में तो ट्रैफिक प्लान भी बनाया जा रहा है, रोपवे आ रहा है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जब प्लान बनाया जा रहा है, प्लान कारगर हो, तब उस पर आगे बात हो गया। तो क्या लगता है कि मतलब जो देश का विकास हो रहा है वो सही दिशा में है कि नहीं? आपको लगता है, आपने पूछा कि देश का विकास आपको हो रहा है, तो आपको लगता है देश का विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा भैया? देश का विकास नहीं होता तो फिर कैसे कह रहे हैं आप? सड़कों का जाल बिछ गया, स्किल इंडिया की बात की जाए, जो बेरोजगारी की बात हो रही है। नहीं, सड़कों का जाल तो बिछा है, इसमें नितिन गडकरी जी का काम अच्छा है, सड़कों का जाल बिछा, लेकिन बेरोजगारी की अगर बात करें, अभी रिपोर्ट में आया है कि 83% बेरोजगार हैं देश के युवा, तो 83% अगर देश के युवा बेरोजगार हैं तो उसमें फिर आप क्या बोल सकते हैं? क्या लगता है, क्या और उम्मीदें हैं आपको? हमें उम्मीदें यही हैं कि बस
अच्छा करें, कोई भी आए अच्छा करें। काशी की जनता का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से सांसद जब चुने गए तो ये उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है और तीसरी बार भी जो वो काशी से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। जनता ये चाहती है कि रिकॉर्ड मतों से उनको विजयी बना करके इस बार देश में इतिहास रचा जाए। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।